अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्राउन राइस की इडली बनाएंगे, जिसके लिए हमें 1 कप ब्राउन राइस चाहिए और 3/4 कप माश की दाल चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को दो सेपरेट बोल्स में भिगा लेंगे। हम इनको अच्छे से धोकर 5 to 6 hours के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे इसको। अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया है और मैं अब इन दोनों को अलग अलग ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के लिए एक बात का ख्याल रहे कि जब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे तब राइस को सेपरेट ग्राइंड करेंगे और ये माश की दाल को हम अलग सेपरेट ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो जब हम ग्राइंड करेंगे तो दोनों को अलग अलग ग्राइंड करेंगे। अब एक बोल लेंगे, इसको हम जो मैंने राइस ग्राइंड की है उसको इसमें डाल देंगे। ये राइस के बैटर में हम यहाँ पे अब माश की दाल वाला जो पिसा हुआ बैटर है वो ऐड करेंगे। राइस का ग्राइंड किया हुआ बैटर और माश की दाल का ग्राइंड किया हुआ बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो उसके अब हम राइस का ग्राइंड किया हुआ बैटर और माश की दाल का ग्राइंड किया हुआ बैटर अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सुबह इडली बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, उसके बाद हम इडली बनाने के लिए रख देंगे इसे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम चटनी तैयार करेंगे। तो हम चटनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फली ली है और इसका मैंने छिलका निकाल लिया है अच्छे से भूनकर। और इसके लिए मुझे चाहिए 4 से 5 लहसुन और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ें धनिया लहसुन वगैरह तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको जितना तीखा चलता है उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लें। और मैंने तड़के के लिए यहाँ पर कड़ी पत्ता और यहाँ ज़ीरा एंड राई ले लिया है। चलिए मैंने एक जार में एक हल्दी डाल ली है, उसके बाद हम धनिया डालेंगे उसके अंदर, फिर हम हरी मिर्च डालेंगे और फिर हम यहाँ पे इसके अंदर लहसुन भी डाल देंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे फिर तड़का लगा देंगे। चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन राइस की इडली बनके तैयार हो चुकी है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।